बीबी के साथ बदलते भारत की शान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर अभय कुमार व्यास को कोटा कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। हड़ौती अंचल में कृषि शिक्षा शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की डॉक्टर अभय कुमार व्यास से। ICAR के सहायक महानिदेशक डॉक्टर अभय कुमार व्यास राजस्थान में कोटा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। आइए बात करते हैं क्या इनकी प्राथमिकता होगी, किस तरह कृषि विकास को लेकर वो हाड़ौती क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो मुख्य प्राथमिकता हमारी रहेगी वो ये है कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट, कि एग्रीकल्चर के अंदर हम किस तरीके से यूनिवर्सिटी का विकास करते हुए राजस्थान में कृषि का विकास कर सकें। इसमें खास बात हमें देने की ये होगी, देखने की होगी कि जो कृषि शोध है, शिक्षा है, विस्तार है और प्रशिक्षण है, उसमें किस तरीके से हम क्वालिटी ला सकें, एक्सीलेंस ला सकें और रिलीवेंस ला सकें, वो किस तरीके से विभिन्न हितग्राहियों के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे इंडस्ट्री के साथी हैं और जो खास तौर पर जो रूरल यूथ हैं, उनको हम किस तरीके से सुदृढ़ कर सकें, उनको सक्षम कर सकें, उनको सशक्त कर सकें, जिससे कि वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए विभिन्न आयामों को लेते हुए आगे बढ़ सकें। कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान में नवाचार लाने के लिए आप पहले से जाने जाते रहे हैं, अब आपको विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित तौर पर जो ICAR में आपने इम्प्लीमेंटेशन किया उसका विश्वविद्यालय में किस तरह का रिफ्लेक्शन हम देखेंगे भविष्य? स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर, आपका है हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर, साथ में है ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग के ऊपर हमें विशेष जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अगर ठीक तरीके से होता है तो लॉसेस हमारे कम होते हैं और साथ में हम प्रसंस्करण के माध्यम से जो हमारा जो भी है ना खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी वैल्यू बड़ी बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, तो इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। रही बात शिक्षा की, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय एक खास तौर पर शिक्षा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, तो हमें कृषि शिक्षा के अंदर जो नॉलेज बेस्ड हमारी एजुकेशन है, तो नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन इसको हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने पर सरकार का ध्यान है, लागत कम आए उत्पादन ज़्यादा हो, इस पर आप किस तरह तकनीक को आगे बढ़ाएंगे लैब टू लैंड? जो भी शोध हो, जो भी शिक्षा हो, वो अल्टीमेटली किसानों तक पहुँचनी चाहिए और इस किसानों के खेत तक पहुँचनी चाहिए, और उसके लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी जो प्रणाली है उसको इफेक्टिव बनाना होगा। ये जो ICT टूल्स हैं आजकल बहुत सारे, उनको हमें ठीक तरीके से काम में लेना पड़ेगा। साथ में इसके अलावा हमें डिमॉन्स्ट्रेशन, लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशंस करने पड़ेंगे, जो भी हमारी विधाएं हैं, जो नवाचार हमारे कृषि विश्वविद्यालय में होगा और उससे जो भी तकनीकें निकलेंगी या टूल्स निकलेंगे या उससे जो प्रोडक्ट निकलेंगे, वो ठीक तरीके से प्रभावी तरीके से तक किसानों को उनके खेतों पे या KVK के माध्यम से उनको प्रदर्शित किए जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो फैकल्टी है, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, और जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आप हितग्राही बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह का जो आस्पेक्ट है वो बहुत ही, प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंस बेस्ड ट्रेनिंग फॉर ऑल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो थे कोटा कृषि विश्वविद्यालय के नए नियुक्त कुलपति डॉक्टर अभय कुमार व्यास, जिनका मानना है कि विश्वविद्यालय में वो न केवल कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करेंगे बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक उन तक पहुँचाकर उनको सशक्त और मजबूत बनाने का सार्थक काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन हरजीत बाबा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज कोटा। बदलते भारत की शान।